इस लैब की खासियत यह है कि यहाँ पे एक ऐसा सीमेन बनाया जाता है जिससे कि 90% चांस होता है कि बचिया ही होगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए है कि जो आवारा पशु है उनकी समस्या बढ़ती जा रही है, फार्मर्स की इनकम घटती जा रही है, कि आने वाले समय के लिए हमारे पास जो संसाधन है उनको बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हमारा और जो अनप्रोडक्टिव एनिमल है, अनप्रोडक्टिव गौवंश है, उसको कम किया जाए। जैसे कि अब बैल जो है वो खेती में यूज नहीं होते, बैल से दूध मिलता नहीं है, तो इसलिए उनकी संख्या हमें उतनी जरूरत नहीं है। तो अगर हम सेक्स सीमेन यूज करेंगे तो उनकी संख्या कम की जा सकती है, जिससे कि पर्यावरण के जो संसाधन है उस पे कम लोड पड़े। मेन उद्देश्य ये है जेनेटिक, अच्छी जेनेटिक, डिसीज फ्री जेनेटिक, जिससे कि क्या है जो भी पशुपालक भाई हैं बच्चिया ज्यादा दूध उत्पाद वाली मिले। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्स सीमेन कैसे बनता है। सेक्स सीमेन बनाने के लिए सबसे पहले ये पास बॉक्स है, पास बॉक्स में सीमेन आएगा, जैसे ही हमारा कलेक्टर बाहर सीमेन रख के जाएगा वो बजर बजाएगा, बजर बजा इसका मतलब हमें पता चल गया सीमेन आया। मैंने ये खिड़की खोली, ये वन वे खिड़की है, खिड़की खोलने के बाद मैं बाहर रखूंगा, बाहर रखने के बाद इसकी जांच पड़ताल करूंगा कि ये सीमेन किसका है, कितनी इसकी मात्रा है, और अपनी कागजी कार्रवाई करूंगा। उसके बाद मैं इसमें लाइसिस बफर लूंगा, लाइसिस बफर मैं इसलिए लूंगा जिससे कि मैं सेलों को तोड़ पाऊँ। इस तोड़ने से मैं उसका कंसंट्रेशन निकाल पाऊंगा कि इसकी जो सीमेन है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन निकालने का फायदा ये होगा, जब मैं इसका कंसंट्रेशन निकाल लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये कितना आगे चल के मुझे फायदा देगा, कितने स्ट्रॉ बनाएगा। उसके बाद जब मैंने ये कार्य कर लिया, यहाँ पे देखने के बाद मैं अपनी मोटिलिटी चेक करूंगा। मोटिलिटी मतलब मुझे ये पता चलेगा कि इसकी क्षमता कितनी है, कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये दो मेरे मुख्य पैरामीटर के हैं जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे इस सीमन को सेक्स सीमन बनाना है या नहीं बनाना है। उसके बाद जब मेरे यहाँ सैंपल पास हो जाएंगे तो मैं उसमें अपनी तीन चीज़ें मिलाऊंगा, जो कि है स्टेंटाल सीमन और एक हमारे पास डाई है जो दोनों सीमनों को अंतर बताएगी कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। 3.8% का मुख्य अंतर है दोनों मेल और फीमेल में। तो उस अंतर को जाँचने के लिए हमारे पास होकोस डाई है, डाई डाल के उसको स्टेशन पर ले जाएंगे। स्टेशन पे जो लेजर है वो लेजर दोनों में अंतर करेंगी और उसको आगे चल के जो मेल है उसको इनएक्टिव कर देंगी, और इनएक्टिव करने के बाद जब हम उसको फ्रीज करेंगे तो जो स्ट्रॉ है उसमें केवल फीमेल सेल्स बनेंगी, जिससे कि अंत में आपको 90% बचिया ही। आज हम ग्राम श्यामपुर में आए, जो हमने एवीएस के सेक्स सीमन के द्वारा इस गाय को कृत्रिम गर्भाधान कराया था, जिसका परिणाम हमें 2 फरवरी को प्राप्त हुआ। देखो ये बछिया आई है, ये हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है जी। तो नाम है जी, कृत्रिम गर्भाधान कराया था गाय का, तो कौन सी गाय का कराया था? इस गाय का कराया था, खड़ी है बच्चे थे। देखो इस गाय का एबीएस के सेक्स सीमन बाबूगढ़ द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कराया गया था, जिसका परिणाम 2 फरवरी 2023 को प्राप्त हुआ। गाय स्वस्थ है, कृत्रिम गर्भाधान भी किया गया था एबीएस के सेक्स सीमन द्वारा, जो जीपीजी प्रोटोकॉल्स के तहत कराया गया था। इसमें क्या होता है कि पहले इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसके बाद दूसरा इंजेक्शन, फिर 3 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और कीड़ों की दवा मिनरल मिक्सचर दिया जाता है। कोऑर्डिनेटर सागर सिंह, एबीएस मैनेजर डॉक्टर आशीष, डॉक्टर जैसुल इस्लाम और सुपरवाइजर सुंदर सिंह के सौजन्य से इनका कृत्रिम गर्भाधान गाय को एबीएस सेक्स सीमन द्वारा कराया गया। हमारी एबीएस का परिणाम दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखो ये गाय है, इनको गाय का ये कराया, इन परिवार को देखो ये गाय प्राप्त। देखो बच्चिया कितने ये रही,